ये है प्रयागराज से घटनास्थल की वो तस्वीरें जहां आतिक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आतिक अहमद और उसके भाई अशरफ की तीन युवकों के द्वारा पुलिस कस्टडी में मीडिया के सामने हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पुलिस द्वारा पूरे प्रयागराज में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में सीआरपीएफ की धारा 144 लागू की गई है, लेकिन दोनों माफियाओं के मौत के बाद भी सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। आपको बता दें कि प्रयागराज में जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर का काफिला उस इलाके में गश्त कर रहा है जहां आतिक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मारी गई थी। मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट के तहत में इनको मेडिकल के लिए लाया गया था और मीडिया के लोग पत्रकार साथ में थे और बाइट ले रहे थे। इसी में प्राथमिक जानकारी के अनुसार तीन लोग मीडिया कर्मी बन के आए और वो मीडिया कर्मी बन के उन्होंने वहाँ पे बाइट लेने का प्रयास किया। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये इंसिडेंट हुआ है जिसमें उन्होंने फायर किया है। इसमें तीन लोगों को भी पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ अभी हम कर रहे हैं और इसमें इनकी अतीक और अशरफ की डेथ हुई है। इसके अलावा एक पत्रकार हैं जो ANI के हैं, मैं उनके नाम अभी नहीं डाइवर्ज कर रहा हूँ, लखनऊ के पत्रकार हैं ANI के, इनके चोट आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फील्ड में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना आए इसका ध्यान रखने को भी कहा गया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। माफिया की मौत के बाद विपक्ष भी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोल रही है और योगी सरकार को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। कल का जो मर्डर हुआ है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं, उसको देखने के बाद हर वो भारत का नागरिक जो भारत के संविधान पर यकीन करता है, भारत की अदालतों पर उसको यकीन है, आज वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग सत्ता की कुर्सियों में बैठे हुए हैं उनमें राय बराबर भी, जो अंग्रेजी का वर्ड है ना, कंपैशन है ना उनमें ह्यूमैनिटी है, ना उनमें रहम है, ना उनमें इंसानियत है। अतीक तो बार बार कहता था कि वो यूपी जाएगा तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा, तो ये बात तो सच साबित हो गई। और इस वक्त जब सारी पुलिस उसको घेरे हुए है, वीडियो के अंदर नजर आ रहा है कि एक फिट डेढ़ फिट के फासले से वो लड़का आके पिस्तौल से गोली मारता है सर में, ये कैसे मुमकिन है? इसमें मुझे बड़ी साजिश की बू नजर आती है। ये इतना आसान नहीं है कि तीन लड़के आए और कत्ल करके चले गए। इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ज्यूडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि इन हालात के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था ठीक रख सकते हैं। ज्यादा बेहतर है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।